Assalamualaikum viewers and welcome back to my channel। तो आज मैं जो रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ वो है पोहे का चिवड़ा। ये बहुत ही यम्मी और टेस्टी होता है और बहुत ही कम समय में बन जाता है। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे शेयर ज़रूर करें। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें शुगर चाहिए 2 टेबल स्पून, उसके साथ मैंने लिए हल्दी 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, हरी मिर्च 2 और करी लीव्स लिए 8 से 10, और ये जो सूखा खोपरा होता है ये ले लिया मैंने थोड़ा सा टुकड़ा। 2 टेबल स्पून भुना हुआ चना है, काजू बादाम और किशमिश आप अपने हिसाब से ले सकते हैं 8 से 10, और आधा कप जो है मैंने मूंगफली दाना लिया है। इसके साथ साथ हम रोस्टेड पोहा लेंगे 3 कप, और वज़न से देखें तो 300 ग्राम के करीब होगा ये। आजकल नॉर्मली भी रोस्टेड पोहा मिल जाता है मार्केट में। अगर आपके पास रोस्टेड पोहा ना हो तो आप धीमी आंच पे नॉर्मल पोहे को भी सेक सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने इसमें ऑयल लिया है, तो अब एक एक करके हम सारे इंग्रेडिएंट्स को फ्राई कर लेंगे। सबसे पहले मैं मूंगफली है इसे फ्राई कर लूँगी अच्छे से। इसे पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 2 मिनट के अंदर आप देखेंगे इस पर अच्छा सा गोल्डन कलर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसे निकाल लीजिए क्योंकि आफ्टर कुकिंग भी इसमें थोड़ा थोड़ा कलर आना स्टार्ट होता है। तो बस ये फ्राई हो चुके हैं, इसे हम निकाल लेंगे। अब जो हमने ड्राई कोकोनट लिया था उसे मैंने लंबा लंबा स्लाइस कर लिया है। अब इस ड्राई कोकोनट को भी हम फ्राई कर लेंगे। इसे पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो आप देखेंगे 15 से 20 सेकंड के अंदर इसे अपना हल्का हल्का कलर चेंज करना स्टार्ट कर देगा। जब इस पर हल्का सा पिंकिश कलर आना स्टार्ट हो जाए तो इसे निकाल लीजिए। देखिए हल्का हल्का कलर आना स्टार्ट हो गया, मैं इसे निकाल लूँगी। अब जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं तो उसमें से पहले हम काजू जो हैं उसे तल के निकाल लेते हैं। ये सारे इंग्रेडिएंट्स से बहुत ही कम टाइम में फ्राई हो जाते हैं, इन्हें पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो भी केयरफुल रहिएगा आप। जैसे ही इन पर हल्का हल्का रेड कलर आना स्टार्ट हो जाए इन्हें भी हम निकाल लेंगे। तो हमारे कैशू भी फ्राई हो चुके हैं, इसे भी हम निकाल लेंगे। अब हम आलमंड्स को फ्राई कर लेंगे, इन्हें भी कुछ सेकंड तक ही फ्राई करना है। तो हमने सारे ड्राई फ्रूट्स जो हैं फ्राई कर लिए हैं। अब जो हमारी किशमिश रह गई है उसे भी हम फ्राई कर लेंगे। इसे ज़्यादा टाइम तक फ्राई नहीं करना है, बस 2 से 3 सेकंड तक आप देखेंगे ये फ्राई होकर ऊपर की ओर आने लगेगी। तो इस स्टेज पर हम इसे निकाल लेंगे। अब जो हमारा रोस्टेड चना था उसे भी हम 2 से 3 सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे, इससे ये काफ़ी क्रिस्पी हो जाएंगे। बस काफ़ी है, इसे हम निकाल लेते हैं। अब जो है मैंने सारा एक्सेस ऑयल हटा दिया है। अब एक पैन में मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल लिया है, इसमें 1/2 टीस्पून मैंने राई डाली यानी मस्टर्ड सीड्स, उसके साथ सौंफ डाली 1 टीस्पून। अब इसे हम हल्का सा क्रैकल होने देंगे। के बाद जो हमने हरी मिर्च काटी थी वो और कड़ी पत्ता साथ में ऐड कर देंगे इसमें, और 2 से 3 सेकंड के लिए इसे अच्छे से स्टर कर लेंगे। अब जो हमारा रोस्टेड पोहा है वो इसमें हम ऐड करेंगे। आजकल मार्केट में इजीली रोस्टेड पोहा मिल जाता है, और अगर नहीं मिले तो मैंने आपको बताया है आप इसे जो है इजीली रोस्ट कर सकते हैं।
घर पर भी आप इसे इजीली रोस्ट कर सकते हैं। एक पैन में आप जो है नॉर्मल पोहा लीजिए, उसे धीमी आंच पर रोस्ट होने तक पकाएं जब तक ये अच्छा सा क्रिस्पी ना हो जाए। अब जो हमारे ड्राई मसालास थे वो मैंने इसमें ऐड कर दिए। इसमें जो है 1/4 चम्मच हम नमक डालेंगे। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो हल्दी का कलर है वो पूरे पोहे के ऊपर अच्छे से मिक्स हो जाए। इसे 5 मिनट तक जो है हमें मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करना है। तो 5 मिनट तक इसे अच्छे से रोस्ट करने के बाद आप देख सकते हैं इसमें कितना अच्छा कलर आया है। अब हम इसमें काला नमक ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। इसके साथ साथ हमारे जितने भी फ्राइड इंग्रेडिएंट्स हमने अभी अच्छे से फ्राई किए थे वो सारे इंग्रेडिएंट्स हम इसमें ऐड कर देंगे। पीनट्स, कैश्यू, आलमंड, ड्राई कोकोनट और जो भी हमने सारी चीज़ें इसमें फ्राई की थी सब हम एक एक करके इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से अब हम इसको 5 मिनट तक और मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो रही हैं और हमारा यमी सा चिवड़ा बनकर रेडी हो गया है। तो आप देख सकते हैं कितने कम टाइम में हमने इतना हेल्दी और टेस्टी जो है चिवड़ा बनकर तैयार हो गया है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी रेसिपी को शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।